देवरिया जनपद में छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होगा। देवरिया जनपद में प्रत्याशियों का नामांकन जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कौशल मणि किशोर ने नामांकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल पर उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो विकास किया जाएगा। ये सुनते हैं उनका क्या कहना है। कितने सीटों में आपने नामांकन? 2 सीटों में हमने नामांकन दाखिल किया है। इस विधानसभा से? रामपुर कारखाना विधानसभा 339। चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपको? हमारा चुनावी मुद्दा मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल पर काम किया जाएगा और बाकी जो है बेरोजगारी मुख्य समस्या जो कृषि आधारित है, इसमें यहाँ एक इंडस्ट्रियल प्लेस था जिसमें चीनी मिलें, 14 चीनी मिलों का ज़िला था और सारी चीनी मिलें बंद हो गई हैं, तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी हब दिल्ली में है, इसको यहाँ इंडस्ट्रियलिस्टों के माध्यम से चाहे जैसे हो हम लोग इसको विकास में करेंगे ताकि चीनी मिल स्थापित हो, कृषि आधारित उद्योग, किसान और सारे लोग खुशहाल हों। इससे शिक्षा और अर्थव्यवस्था ठीक होने पर स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आगे देवरिया का भविष्य बनेगा। आप किस पार्टी से? हम आम आदमी पार्टी से पर्चा दाखिल किए हैं और कौन सा विधानसभा? रामपुर कारखाना। आगे जैसे युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, रोजगार जो है और बाकी समस्या रोड रोड के लेके आगे इस पर आपने क्या सोचा है? अगर आप यहाँ जनता आपको यहाँ से चुनकर भेजिए सदन में। रोजगार का मतलब सरकारी तो जो काम है वो है, सरकारी व्यवस्थाएँ उसमें लिमिटेड होती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्थिति दिल्ली में और अगल बगल है, वहाँ पूरे देश के अच्छे अच्छे उद्योगपति अपना निवेश करते हैं, उस तरह से देवरिया में मैं लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा और उद्योग स्थापना किया जाएगा चाहे जिस तरह के हो और ख़ास तौर से कृषि आधारित। यहाँ कृषि यदि विकास होगा तो कृषि से ज़्यादा रोजगार का विस्तार किया जा सकता है। अपना नाम बता दीजिए। कौशल किशोर मणि।